हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू प्रेप्राइज क्लासेस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, उसके रूल्स हम चेक करेंगे और कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इमेज को इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगी। सबसे पहले हमारे पास कनकेव मिरर के लिए, तो इसके केस 6 केसेस होते हैं। सबसे पहले हम 6 केसेस देखेंगे, उसके बाद उसको हम डायग्रामेटिकली, उसका जो रे डायग्राम है वो भी हम चेक करेंगे। यहां रखेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ऑब्जेक्ट जहां पे रखा जाएगा, या जहां पे इमेज बनेगी, यहां पे नेचर एंड साइज। ऑब्जेक्ट को कहां कहां पे रखा जाएगा हम देख रहे हैं कनकेव मिरर के केस में। मिरर्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, उसके बाद रखेंगे बिहाइंड सी, बिहाइंड सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। थर्ड है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। उसके बाद केस है एट एफ, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहां पे बनेगी उसकी। और लास्ट केस है बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहां पे बनेगी। अब जो हमारे, अगर मान के चलो हमारी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे है, तो उसका रे डायग्राम कहाँ से बनेगा और उसकी जो इमेज है उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो और उसका नेचर क्या है और साइज क्या है। सबसे पहला केस देखते हैं हम, कॉनकेव मिरर लेते हैं, एक लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं वो ड्रॉ करेंगे, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है और कॉनकेव मिरर का जो पॉइंट मिलता है उसको हम पोल बोलेंगे, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट इन्फिनिटी, इमेज अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है तो इमेज उसकी कहां पे बनेगी। इन्फिनिटी से एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्रॉस कर जाती है फोकस से, टकराने के बाद ये फोकस से क्रॉस कर गई। हमारा ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, इट मींस कि जो उसका ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है वो कॉनकेव मिरर पे टकरा रही है। टकराने के बाद इमेज कहां पे बनेगी हम देख रहे हैं, टकराने के बाद जो दोनों इंसिडेंट रेज हैं वो टकराने के बाद क्रॉस कर रही है फोकस से, तो इमेज बनेगी उसकी एट फोकस। नेचर क्या रहेगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या रहेगा, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा साइज रहेगा जो देखने में थोड़ा सा इंपॉसिबल होगा। ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस है इमेज को इन्फिनिटी से खिसका के हम ले आते हैं सी के पीछे, फिर से कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
से अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है सी के पीछे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो हमारी इमेज जो है वो कहां पे बनेगी, हम सबसे पहले वो चेक करेंगे। दो रेज लेंगे इंसिडेंट रेज, पहली रेज क्रॉस कर रही है, जब टकराएगी वो करेगी क्रॉस फोकस से। अगर हम दूसरा देखें, दूसरी रे सी से क्रॉस कर रही है और सी से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो हमारी इमेज जो है वो आ गई बिटवीन सी एंड एफ पे, और इसकी जो इमेज है वो बनेगी उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप इस डायग्राम में देखें, हमारा ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज जो आपस में मिल रही है वहां पे उसकी इमेज बनती है, तो उल्टी इमेज है और साइज थोड़ा ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो बिहाइंड सी इमेज का देखेंगे हम, तो ये लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में हमारी इमेज बनी, नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड। एंड स्मॉलर साइज, साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये था हमारा सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा जाता है। अब तीसरा केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पे ले आते हैं, अगर हम सी पे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमारी इमेज है वो भी सी पे बनेगी, लेकिन हम देखते हैं कैसे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अगर हम इसमें देखें कि जो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी जो दोनों रेज हैं, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी रेज जो है वो सी पे ही मीट कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारी जो इमेज है वो बनेगी एट सी। सी पे ऑब्जेक्ट है, सी पे ही इमेज बनेगी, और उल्टी इमेज है तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। और अगर हम केस देखें, इसमें साइज क्या है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इन तीन केस को स्टडी करें, तो इसमें हम देखते हैं कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था शीशे से बहुत दूर था, तो इमेज हमारी सबसे छोटी बनी। जैसे ही हम शीशे के थोड़े से नजदीक आए, हमने क्या देखा, इमेज का साइज बड़ा होना शुरू हो गया। इन्फिनिटी पे थी, पॉइंट साइज था, सी के पीछे आए थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ, हालांकि ऑब्जेक्ट से छोटा है लेकिन फिर भी साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जब हम थोड़ा सा और आगे आए, इमेज का साइज में और फर्क पड़ा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ गया। अगर नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में जब रखते हैं तो क्या होगा, इमेज हमारी कहां पे बनेगी। अब नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट का, हम सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी और एफ के बीच में। अगर हम आइडिया भी लगाना चाहें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं इमेज का साइज जो है बड़ा होता जा रहा है, हम आगे आ रहे हैं इमेज पीछे जा रही है। तो नेक्स्ट केस यहाँ पे देखें, इमेज यहाँ पे थी, थोड़ा सा हम आगे आए इमेज पीछे हटी, थोड़ा सा हम और आगे आए इमेज और पीछे हटी, हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आइडिया से ही पता चला लें कि जो इमेज है वो पीछे क्यों आएगी और साइज जो है नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये क्रॉस कर गई यहां से, फोकस से बाद में ये क्रॉस कर गई यहां पे। अगर हम देखें तो इमेज जो है ये सी के पीछे बनी, इमेज जो है वो सी के पीछे बन रही है, और जो उसका साइज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। सी के पीछे बनी, नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल और इन्वर्टेड साइज नेचर और साइज जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट से साइज थोड़ा सा इसका बड़ा हो गया उसके। ये था हमारे पास फोर्थ केस। फिफ्थ केस देखें फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हो। सबसे पहले एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें जब भी आप रे डायग्राम्स याद करें तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा हो फोकस पे इमेज बनती है, उसका उल्टा अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा हो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन उसको रे डायग्रामेटिकली देख लेते कैसे बनेगी। एफ पे ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, इमेज कहां पे बनेगी इसकी, साइज इसमें अगर आप इसको देखें तो गैप बड़ा होता जा रहा है तो इसका अंदर इन्फिनाइट साइज हो जाएगा। इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इन्फिनाइट साइज इन्फिनाइटली लार्ज। तो फिफ्थ केस में देखें कि हमारा जो साइज है वो इन्फिनिटी लार्ज बन गया और जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड ही रहा। लास्ट केस है बिटवीन एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहां पे बनेगी। ये केस जो है ये बाकी पांच केसेस से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इमेज जो है इसमें जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे इसकी इमेज बनती है और उसका जो नेचर है नेचर चेंज हो जाता है। नेचर हो जाएगा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और साइज जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पे रखते हैं बिटवीन एफ एंड पी, डॉटेड में आगे बढ़ा देंगे इमेज बनेगी ऐसे। अगर हम इसमें देखें इमेज बनी शीशे के पीछे तो जब हम इसमें लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज तो लिखेंगे बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। नेचर क्या हो गया इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सीधी इमेज बनी, बाकी सारी इमेजेस जो थी वो उल्टी थी, इसमें इमेज जो है वो सीधी बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड साइज जो था उसका लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इन छह केसेस में देखा आज क्या स्टडी किया हमने कि जो कनकेव मिरर है इसमें इमेजेस कहाँ कहाँ पे बनी, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी तो इमेज हमारी हमने रे डायग्राम के हिसाब से देखा कि इमेज जो हमारी कहाँ पे बनी, उसका नेचर क्या था, उसका साइज क्या था। आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप उसको प्रेप्राइज चैनल पे यूट्यूब पे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस पर देखिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए कि ये वाला आर्टिकल जो है उस चैनल पे जाके देख लिया जाए और उसको सब्सक्राइब कर लिया जाए। थैंक यू।